पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के श्रद्धांजलि सभा में पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, संगठन मंत्री चंद्रशेखर के साथ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर सभी ने अपने अपने तरह से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को याद किया और भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही विधायक सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता कर कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के बारे में भी मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा, अभी तक राजस्थान में 33,48,000 के करीब नए सदस्य जोड़े गए हैं और उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने बताया, 16 से 20 अगस्त तक विशेष सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जिन प्रतिनिधियों को विशेष तौर पर कार्य करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही उन्होंने खराब हो रही कानून व्यवस्था पर भी अफसोस जताया। सतीश पूनिया ने कहा कि अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और खासकर अनुसूचित जाति जनजाति पर अपराध होने से सरकार नहीं रोक पा रही है, जिसके चलते 13 अगस्त को दलित उत्पीड़न के खिलाफ राज्यपाल को सांसद और विधायक ज्ञापन देंगे। विधायक सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता के जरिए होने वाले निकाय और उप विधानसभा चुनाव पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा, पार्टी के दिशा निर्देश के हिसाब से काम किया जाएगा और जिस तरह से जनादेश मिला है लोकसभा चुनाव में, बीजेपी इन चुनावों में भी परचम लहराएगी।